नमस्कार, मैं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट न्यूज। बड़कागो प्रखंड के पंकरी बरवाड़ी में स्थित बाल विद्या आश्रम विद्यालय का 20वां वर्षगांठ मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से बड़कागांव पूर्वी पंचायत के मुखिया कैलाश कुमार राणा उपस्थित हुए। तो आइए देखिए इसकी पूरी खबर बड़कागांव से हमारे संवाददाता सुनारायण साहू के साथ। वहीं मुख्य अतिथि ने यह भी कहा कि विद्यालय अपने आप में एक पहचान बनाया है और बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए प्रयासरत है। सभी ही अभिभावकों को कर्तव्य बोध कराते हुए कहा कि बच्चे सरकारी या निजी विद्यालयों में पढ़े, उन्हें हमेशा अभिभावकों को देखरेख के साथ, प्यार के साथ ही सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करें, तभी आगे चलकर ये बच्चे अपने परिवार, समाज के साथ राष्ट्र का विकास कर पाएंगे। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। बच्चे का क्या शिक्षा मिला या नहीं मिला, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे के अभिभावक और शिक्षक के साथ जो वार्ता होती है, पढ़ाई का सबसे महत्वपूर्ण गुण वही है। अगर बच्चे को मैं स्कूल भेज दिया हूँ और अभिभावक अगर बच्चे के साथ उसका पीछे नहीं लगा रहे, तो बच्चे का स्कूल का भी पढ़ाई पीछे चला जाता है। तो मैं अभिभावक से भी आग्रह करना चाहूंगा कि बच्चे चाहे जिस स्कूल में भी आपका पढ़ते हैं, बच्चे को स्कूल आने के पश्चात बच्चे के साथ आधे घंटे का आप क्लास जरूर करवाएं और साथ में उनसे जरूर पूछें कि आपके स्कूल में क्या शिक्षा मिली और इसके जीर्णोद्धार के लिए उस बच्चे को क्या कमी है, इसमें आप सहयोग करें। आपको बता दें कि सन 2000 ईस्वी में बाल विद्या आश्रम विद्यालय की स्थापना की गई, जिसमें यहाँ के अभिभावकों का साथ हमेशा मिलता रहा और आज भी लगभग 250 बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दिया जा रहा है। वहीं अभिभावकों की बैठक प्रतिमाह किया जाता है, जिसमें उनका सुझाव और शिकायत को विद्यालय प्रबंधक द्वारा उचित समाधान समय पर लिया जाता है और शिक्षा में अधिक सुधार कैसे हो, इस पर चिंतन हमेशा किया जाता है। इसके साथ ही आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास हमेशा किया जा रहा है और शांत वातावरण में खेलकूद के साथ योग और नैतिक मूल्यों का विकास के प्रति विद्यालय हमेशा तत्पर है।